भागलपुर जिला के नौगछिया पुलिस नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर उस समय चीख पुकार मच गई जब लखीसराय की ओर से भागलपुर जा रहे पुलिस के वाहन की एक अनियंत्रित ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में पुलिस गाड़ी में सवार 6 पुलिस कर्मियों में से 4 पुलिस कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानीय पुलिस ने उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में भर्ती कराया। हादसे के दौरान अनियंत्रित ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही भवानीपुर पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची, जहां सभी पुलिस कर्मियों को नारायणपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें 2 पुलिस कर्मी की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। लोग कैदी लाने जा रहे थे भागलपुर। कहां से कहां जा रहे थे सर? लखीसराय से भागलपुर जा रहे थे जी। तो ट्रक वाला ओवरटेक करने के चक्कर में आगे से दुर्घटना। अच्छा, ये दुर्घटना कहां हुई है? नारायणपुर में है, नारायणपुर नवगछिया। सर कितने आपके सहकर्मी घायल हुए हैं? 4 लोग। कितने लोग सवार थे सर आप लोग? 6 लोग। किस वाहन में सवार थे? बजरा टीम। थैंक यू सर। भागलपुर में हो रही बारिश ने स्मार्ट सिटी भागलपुर को पानी पानी कर दिया है। शहर के अधिकांश मोहल्ले में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश ने भागलपुर नगर निगम के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। शहर के गुरुद्वारा रोड में जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी हो रही है। खासकर स्कूली बच्चों सहित बाजार करने आए लोगों को नाले के पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्थानीय लोग नगर निगम को कोसते भी नजर आए। तस्वीरों के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे किस तरह से नाले के पानी में होकर गुजर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नगर निगम की महापौर एवं भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त इसी तरह सोए रहेंगे या फिर जल जमाव की समस्या का समाधान भी कर पाएंगे। देखते हैं भागलपुर का, यहाँ डाउन एरिया है, काफी इतना डाउन एरिया है कि यहाँ पे बारिश तो जल जमाव हमेशा होता रहता है। नाले की सफाई तो यहाँ कभी कभी होती है, जब मतलब जरूरत के अनुसार से कभी तो सफाई होता नहीं है, कभी कभी हो जाए नियमित रूप से नहीं, तो झेलना ही पड़ता है। भागलपुर वासियों को हमेशा झेलना पड़ता है। यहाँ चले जाइए, गोवापट्टी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये स्थिति है। स्कूली बच्चे सारे को परेशानी है। अभी जाने में जो है कुछ तो जो है मोटरसाइकिल पे बच्चे लोग बैठ करके आए सामने की जो है हमको पास करा दीजिए, ये स्थिति है यहाँ। स्थिति तो बहुत बेरहमी से पूरा हम लोग जैसे संभाल रहे सर जी, पूरा दुकान हम लोग का डूब जाता है। पब्लिक आन जान में दिक्कत, आन जान में पब्लिक दिक्कत करता है। यहाँ पे मेयर साहब रहते हुए अगला साल भी हम लोग लिखावत किए, मेयर साहब आते जाते इस रोड पे ध्यान नहीं देते। क्या कारण? कारण यही है कि नाला जो है गढ़ा पर गया है, नाला ऊंचा पर गया। सफाई कुछ सफाई नहीं, कितना बार बोले कुछ सफाई नहीं। यहाँ पे बगल में मेयर साहब भी है, वो आते जाते रोड से देखते हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। भागलपुर की बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत चौहान पब्लिक स्कूल के सामने एक महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। इसके बाद भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। मृतक बीबी लाडो रानी अपने रिश्तेदार मिल्की गांव के अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर पंखा टोली बारात जा रही थी। वहीं बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत चौहान पब्लिक स्कूल के सामने ब्रेकर आने से संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद दोनों गिर पड़े। वहीं जगदीशपुर की तरफ से आ रहे भारी वाहनों की चपेट में आने से बीबी लाडो रानी की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा मोहम्मद युवराज बाल बाल बच गए। हालांकि बाईपास थानाध्यक्ष सूरज कुमार वैभव, जगदीशपुर थानाध्यक्ष गणेश कुमार अपने दलबल के साथ त्वरित घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर जाम को तोड़वाया गया। जिसके बाद बाईपास थानाध्यक्ष सूरज कुमार वैभव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सबकी पहचान बरारी थाना क्षेत्र के रहने वाले बीबी लाडो रानी के रूप में हुई है। मम्मी का क्या नाम था? बीबी लाडो रानी। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुबरान। कहाँ से आ रहे थे? मिल्की बस्ती जा रहे थे, पंखा डोली जा रहे थे बराती में। अच्छा। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं।
निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। राजद के 28वें स्थापना दिवस समारोह पर राजद पार्टी की ओर से शहर के एक निजी होटल में भव्य आयोजन किया गया, जिस मौके पर राजद के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले राजद के संस्थापक लालू प्रसाद यादव एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चित्र को केक खिलाया, और उसके बाद सभी कार्यकर्ता ने एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर बिहार श्रम आयोग के पूर्व अध्यक्ष सह राजद नेता चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि राजद पार्टी एक सामाजिक पार्टी है और यह पार्टी गरीबों की पार्टी है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आजादी दिलाने का काम इसी पार्टी के बैनर तले किया है। साथ में कहा कि हमारी पार्टी जन सरोकार की पार्टी है। आज राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस भागलपुर के होटल भावना में मनाया गया। इस अवसर पर हम लोग केक काटे और केक काटते हुए आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी को बधाई देते हैं, और गरीबों तक जिनको कि सरकार की लाभकारी योजना गरीब को नहीं मिलता था, गरीबों को बैठने नहीं दिया जाता था, गरीबों के सम्मान पर ठेस पहुंचता था, गरीबों को आज़ादी दिलाने का भी काम माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कार्य अभूतपूर्व रहा है, वंचित लोगों को अधिकार मिला है। लोजपा रामविलास के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के जन्मदिवस के अवसर पर भागलपुर लोजपा रामविलास द्वारा खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा के आवास पर जन्म जयंती मनाई गई। इस जन्मदिवस के अवसर पर लोजपा रामविलास के नगर अध्यक्ष संतोष कुमार के साथ विष्णु शर्मा, पवन जायसवाल, विजय यादव, संगीता तिवारी, अंशु प्रियंका सहित कई कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया, साथ ही केक भी काटा। भागलपुर के दर्जनों भूमिहीन परिवार 15 सालों से विस्थापित नाथनगर अंचल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक इन परिवारों को बसाया नहीं गया है। गुरुवार के दिन दर्जनों भूमिहीन महादलित परिवार नाथनगर अंचल कार्यालय पहुंचे और अंचलाधिकारी रजनीश कुमार से भूमि की मांग करते हुए बसाने की मांग की। वहीं सीओ ने आश्वासन दिया कि जल्द इस पर पहल की जाएगी। नाथनगर अनवटिया चौक स्थित बीते कई सालों से सड़क किनारे रह रहे महादलित परिवार ने बताया कि 15 साल से नाथनगर अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं बसाया गया। वे 42 महादलित परिवार है जो विगत कई सालों से नमटिया चौक के समीप सड़क किनारे गुजर बसर कर रहे हैं। नीलम देवी ने बताया कि अंचल में आने के बाद सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिसके कारण आज सड़क किनारे रह रहे हैं। कुछ साल पहले दोगच्छी में भूमि उपलब्ध कराया गया था, मगर घर बनाने लगे तो दबंगों ने वहां से भगा दिया। यही कि हमारा घर द्वार नमटिया चौक पर रहे छे, हमारा घर द्वार टूटी गए, बाल बच्चा घर से बेघर छे। 15 साल से सीओ साहब, कितना सीओ साहब है, कितना सीओ साहब बदली होले, अभी तक हमारा लोग जमीन नहीं मिल रही। कहाँ आयो तो सर? हाँ, नाथनगर अंचल। नाथनगर अंचल, हाँ। की कहे सी ओ साहब? यही तारीख मारे जो फलना दिन देंगे, चिल्ला दिन देंगे, यहाँ दिखाता है वहाँ दिखाता है, जब देता है जमीन लफड़े लग जाता है। अच्छा। जो जमीन दिखाते हैं कदम मारेंगे, डेगा देंगे,
एक बार यहाँ दिए दो चिक पास जमीन दिया से हाँ हम लोग घर द्वार बनाए, घर द्वार बनाए, रात में आया कलेक्टर है घर द्वार तोड़ तोड़ के सब चीज लेकर चल गया। आयलो जी जगह जमीन लाए ला हमरा श्रीविंद राव बस आयलो जे जमीन सरकारी दाग छीनी ले ला जी छीनी ला 15 साल से घर द्वार बने लो अपने ला ले बाप लगे दसरा ठमा ये जमीन छोड़ो दसरा ठमा देखी के तरह से जमीन देवा बोल ला कैसी हो सामने तब आप ढाई लो जी हमरा संग अपना दूसरा ठमा दा जमीन देखला है हमरा संग दा वहां से बसाबो